सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अब तो न्यूज चैनल से भी पहले ही खबरें आ जाती हैं। चंद सेकंड्स में कोई भी खबर, वीडियो या पोस्ट सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज भी आपको एक ऐसी ही खबर के बारे में बताने जा रही हैं जिसे सुनने के बाद हो सकता है आप दंग रह जाएं और आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो। यह खबर राजस्थान के धौलपुर जिले के सिकरौदा गांव से सामने आई। खबर बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल यहां पर एक किसान के घर पर भैंस ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके दो सिर, दो कान और चार आंखें हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भैंस के इस बच्चे का शरीर तो एक ही है और वो भी बहुत कमजोर है, लेकिन दो सिर हैं। किसान के घर जन्म लेने वाले इस भैंस के बच्चे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जन्म देने के बाद भैंस भी बिल्कुल स्वस्थ है और ये उसका बछड़ा भी। बछड़ा दोनों सिरों से पानी के साथ साथ दूध भी पी रहा है। दोनों सिर के साथ बछड़ा नॉर्मल तरीके से सारे काम कर रहा है। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं, इसीलिए इसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। वैसे कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा उनके गांव में पहली बार हुआ है। हालांकि आपको बता दें, इस तरह का मामला यूपी में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी यूपी के एक जिले में दो मुंह वाले बच्चे का जन्म हो चुका है। निश्चित तौर पर इस खबर ने आपको भी हैरान किया होगा। वैसे भी इस तरह की खबरें आती हैं तो वो सभी को हैरान कर ही देती हैं। इस भैंस की डिलीवरी करने वाले पशु चिकित्सक गुड्डू सिंह ने कहा, सबसे हैरानी की बात यह है कि सब नॉर्मल है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपने भी कभी कोई ऐसा मामला सुना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।